नमस्कार दोस्तों पार्थ फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम निधि है आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर हैं सुरक्षित और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं दोस्तों हमने स्टार्ट की एक छोटी सी सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं स्पीशीज इन न्यूज फॉर योर प्रम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो पांच जून को आने वाला है ये इसका पार्ट टू है आज इससे पहले वाले पार्ट में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ रेड डेटा बुक एंड आई इनके बारे में साथ में जो लिस्ट होती है

जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्पीशीज है उनके बारे में हम बात कर लेंगे क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है इकोलॉजी एनवायरमेंट का जहां से आ, आना ही आना है क्वेश्चन फ्रॉम दी स्टैटिक आल्सो एंड फ्रॉम दी करंट सेक्शन आल्सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं साइट्स के बारे में तो साइट्स इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोन एंड फ्लोरा दैट इज दी फुल फॉर्म ऑफ साइट्स मतलब क्या है साइट्स एक कन्वेंशन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का किस में जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज उनका जो ट्रेड होगा उसके संबंध में ठीक है जिसको ड्राफ्ट किया गया था एज द रिजल्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ आई यूसीएन आई स्टैब्लिश किया गया था 1948 में इसके कुछ मेंबर्स पार्टी बनी है ना साथ में सब पार्टीज आई ने अग्री किया इसके बारे में उसी के अंतर्गत 1963 में आईओसीएन के सभी मेंबर्स ने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया रिगार्डिंग साइट्स और ये आया फोर्स में इन 1975 1975 में ये फोर्स में आया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अगर हम बात करें तो बेसिकली नॉट उद्देश्य हम ये कहेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज द ओनली ट्रीटी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकलौती ट्रीटी है जो इंश्योर करती है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है प्लांट्स या एनिमल्स का जो भी व्यापार हो रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस ट्रीटी के अनुसार या इसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटी इंश्योर करती है कि उस व्यापार से ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज किसी भी तरह से इन प्लांट्स और स्पीशीज के सर्वाइवल को कोई खतरा ना हो अगर ट्रेड हो भी रहा है व्यापार हो भी रहा है तो इट शुड नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ दिज स्पीशीज इन दी वाइल्ड इनके नेचुरल हैबिटेट दिस दिस इज ट्रीटी डस ठीक है पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन की बात करें तो साइड एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है मैंने आपको बताया जिसमें स्टेट्स जो भी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं वो साथ में आती हैं वॉलेंट्रली साथ में एकजुट होकर काम करती हैं जिन लोगों ने अग्री किया है जो ऑर्गेनाइजेशन uh, to के साथ जो जुड़े जुड़े, जुड़े हैं या जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है जो इसके सदस्य बने हैं दे आर कॉल्ड एज पार्टीज और दे यहाँ पे सिंपल जिन लोगों ने ज्वाइन किया जिन भी स्टेट्स ने रीजनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने किसी ने भी जिसने ज्वाइन किया है साइट्स को उनको कहा जाएगा पार्टीज यहां पर नाउ एक तरफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट इज अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन ऑन दी पार्टी ये लीगली बाइंडिंग है मतलब आपको इनके जो भी प्रोविजंस हैं जो भी प्रस्ताव रखे जाएंगे जो भी चीजें कही जाएंगी उनको अग्री करना होगा लीगली बाइंडिंग का मतलब हुआ यू आर बाउंड टू फॉलो इट अगर आप नहीं करेंगे दे आर प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ठीक है एक्शन लिया जाएगा आपके अगेंस्ट लीगली बाइंडिंग तो है ये पार्टीज़ पर जो भी पार्टीज़ जुड़ी हैं साइड के साथ उन पर ही लीगली बाइंडिंग तो है लेकिन लेकिन इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉस जहां एक तरफ ये उन सभी पार्टीज पे लीगली बाइंडिंग है टू इंप्लीमेंट कन्वेंशन मतलब जो भी ट्रेड के लेकर जो भी प्रस्ताव देंगे या इंश्योरेंस देंगे या जो भी चीजें करेंगे रिगार्डिंग दी ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जो भी साइट्स में अग्रीमेंट्स होंगे डिसीजन होंगे उनको सबको फॉलो तो करना है लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू रिमेंबर दैट इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ द नेशनल लॉज सो जो पार्टीज राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इसको लेके कोई प्रावधान कोई कानून लेकर आई हैं ये इसको रिप्लेस नहीं करता है रादर ये क्या करता है ये एक फ्रेमवर्क तैयार करता है ड्राफ्ट तैयार करता है एक फ्रेमवर्क तैयार करता है कि आपको ये ये चीजें फॉलो करनी है इन चीजों का ध्यान रखना है टू बी रेस्पेक्टेड बाई पार्ट इट कैन बी थ्रू द नेशनल लॉज ऑल्सो जब वो अपने रेजिस्लेश बनाएंगे अपने राष्ट्रीय स्तर पर तो वो इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे ठीक है टू एंश्योर दैट साइट इज इंप्लीमेंटेड एट द नेशनल लेवल राइट दिस इज अबाउट साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं आज की बात करूं अक्रॉस द ग्लोब वन एटी फोर पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की मतलब नेशंस ने गवर्नमेंट्स ने स्टेट्स ने इन सब ने इसको अग्री किया है रेटिफाई किया है और वो इसके जो भी प्रावधान है उससे बाउंड है कन्वेंशन के जो भी प्रावधान है ठीक है इसी के बारे में और ज्यादा बात करेंगे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी ये टेलीग्राम चैनल है जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर क्लास पीडीएफ एंड शेड्यूल आप मेरे स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेस से भी जुड़ सकते हैं विद एंडी लाइफ टेन मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं एक बजे और पांच बजे दोस्तों जहां मैं ना केवल करंट बेस्ड एमसी कराती हूं साथ ही आई विल बी वेरी सुन स्टार्टिंग विद टू वीकली आंसर राइटिंग सेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा प्रॉब्लम होने वाला है तो वीकेंड पे इट इज गोइंग टू बी फ्राइडे एंड सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे को विल बी हैविंग वीकली आंसर राइटिंग सेशंस आल्सो दीस सेशंस आर एब्सोल्युटली फ्री आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करके एनरोल करना है अन अकेडमी ने अनाउंस किया है मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम सभी 2022 के जो यूपीएससी सीएससी लर्नर्स हैं उनके लिए आपको करना क्या है आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है आपको मिलेगा वन मंथ का एक्सटेंशन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन लाइव इंटॉनशिप आंसर प्रोग्राम क्यू आर कोड स्कैन करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है एनरोल नाव पे और डिटेल दे देनी है प्राइजेज बढ़ने वाले हैं इकतीस मई से रात ग्यारह बज के उनसठ मिनट के बाद से प्राइजेस बढ़ जाएंगे मतलब अगला दिन शुरू हो जाएगा तो एक तारीख से प्राइजेस बढ़ जाएंगे अप टू ट्वेंटी परसेंट अभी जाइए एनरोल कीजिए अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों CSE, GS, मेगा कॉम्बैट जो ट्वेंटी नाइन्थ में यानी आज ग्यारह से एनरोल कीजिए अटेंड कीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा बहुत सारे गिफ्ट कार्ड जीत सकते हैं स्कॉलरशिप जीत सकते हैं चलिए अब बात करते हैं कि साइट्स काम कैसे करता है साइट्स के बारे में आपने बहुत सारे जगहों पर अलग अलग जगह पर पढ़ा होगा ना अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू अपेंडिक्स थ्री है ना अपेंडिक्स बने होते हैं इसमें तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में देख लेते हैं अपेंडिक्स कैसे है उसमें क्या क्राइटेरियाज है उसके बारे में भी बात करते हैं तो साइट्स पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिए एडमिनिस्टर किया जाता है थ्रू यू यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इसका सेक्रेट्रेट है कहां पर जीनीवा स्विट्जरलैंड में जो देखता है कि क्या सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रही है ट्रीटी के और असिस्ट करता है किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन अगर होना है बिटवीन दी कंट्रीज बिकॉज इट डील्स विद इंटरनेशनल ट्रेड तो आपसी उनका कोई बातचीत होनी है कोई कम्युनिकेशन है इस सब के बारे में भी ये ध्यान रखता है इसको असिस्ट करता है साइट का काम जो है इज बाय सब्जेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट ऑफ सिलेक्टेड स्पीशीज ठीक है टू सर्टन कंट्रोल जिसमें ये किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीएक्सपोर्ट या कोई भी इंट्रोडक्शन जो इतने बड़ा जो समुद्र है स्पीशीज का उसमें से लाया जाता है कन्वेंशन जिसको किया जाता है कैसे इट मतलब है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है species, the endangered species, उसको देखा जाता है ठीक है रेगुलेट किया जाता है जो भी पार्टी है इस कन्वेंशन की मतलब जिन भी कंट्रीज ने लाइक दी वन एटी फोर कंट्रीज और दार्टीज विच है उनको क्या करना पड़ेगा उनको दो मैनेजमेंट अथॉरिटीज रखनी होती है अपने पे एक या एक से ज्यादा मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगी नंबर वन क्या करेगी उसकी उसकी जो जिम्मेदारी है मतलब जो लाइसेंसिंग सिस्टम जिसकी बात की गई है साइट्स में वो सही तरीके से एडमिनिस्टर करना उसको मैनेज करना उसके लिए एक अथॉरिटी होगी ठीक है साइट्स में क्या बात करें लाइसेंस दिया जाएगा लाइसेंसिंग एक पूरा प्रावधान होगा अब साइट्स ने क्या किया अपनी जो भी पार्टीज हैं उनको कहा कि भाई आपके पास एक या एक से ज्यादा मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जो इस लाइसेंसिंग को एडमिनिस्टर करेगी जो भी लाइसेंसिंग हो रही है ट्रेड में दूसरा एक या एक से ज्यादा साइंटिफिक अथॉरिटीज होनी चाहिए जो एडवाइस करेंगी कि ये जो ट्रेड हो रहा है ना स्पीशीज का उसका अफेक्ट क्या होगा ऑन द स्टेटस ऑफ दी स्पीशीज ये जो भी स्पीशीज है जिनको ट्रेड किया जा रहा है व्यापार किया जा रहा है उनके स्टेटस पे ऑलरेडी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है तो अगर इनका व्यापार होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा इन स्पीशीज के स्टेटस ठीक है विलुप्त तो नहीं हो जाएंगे या पॉपुलेशन और ज्यादा डिग्रेड तो नहीं हो जाएगी और ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगी एक्सेक्ट्रा तो ये सब ध्यान रखना तो बेसिकली हर पार्टी को ये दो अथॉरिटीज एक मैनेजमेंट अथॉरिटी एक साइंटिफिक अथॉरिटी अपने यहां डेजिग्नेट करनी है टू मेक श्योर ऑफ दीज टू थिंग्स लाइसेंसिंग को देखना और साथ में अफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीशीज को स्टडी करना इसको एनालाइज करना ठीक है जो भी स्पीशीज कवर किए गए हैं साइट्स में उनको लिस्ट किया जाता है तीन में किस आधार पे ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे नीड मतलब हो सकता है जैसे हमने पढ़ा था ना नियर uh, थ्रेटेंड हो सकते हैं एंडेंजर्ड हो एंडेंजर्ड कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडल कैटेगरी जैसे वहां ना इंपॉर्टेंट वाली इसी तरह से यहाँ पे तीन अपेंडिक्स बनाए गए हैं 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 जो बताते हैं किस लेवल का प्रोटेक्शन चाहिए इस किसी भी स्पीशीज को अपेंडिक्स वन एंड टू बेसिकली पहले पढ़ते हैं अपेंडिक्स वन में क्या किया गया है इसमें वो स्पीशीज हैं जिनको ऑलरेडी खतरा है विलुप्ति का अपेंडिक्स वन इंक्लूड ऑल दो वो विलुप्त हो सकते हैं तो इन स्पेसिमेंट्स के ट्रेड को लेकर परमिशन केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में दी जाएगी अपेंडिक्स वन में जो भी स्पीशीज लिस्टेड हैं इन दी दाइज वो कैसे स्पीशीज हैं दे आर द स्पीशीज दीज आर थ्रेटेंड टू एक्सटेंशन वो विलुप्त हो सकते हैं तो ऐसे में केवल किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ही इन स्पेसिमेंट्स के ट्रेड को परमिशन दी जाएगी नंबर वन अपू की अगर बात करें इट स्पीशीज नॉट विद एक्सटिंक्शन जरूरी नहीं है कि वो विलुप्त हो जाए लेकिन इनका ट्रेड को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि अवॉइड किया जा सके यूटिलाइजेशन कंपैटिबल विद देयर सर्वाइवल ऐसा ना हो कि उनके ट्रेड को मॉनिटर ही ना किया जाए और इतना ज्यादा उनमें ट्रेड हो कि वो विलुप्त हो सकते हैं इन फ्यूचर उनके सर्वाइवल पर खतरा आ जाए ठीक है तो मे बी दे आर नॉट थ्रेटेड टू एक्सटेंशन लेकिन फिर भी ट्रेड मॉनिटर करना जरूरी है बिकॉज़ आर कि उनके पे अफेक्ट ना आ जाए इस ट्रेड का ठीक है दिस इज अपेंडिक्स अपू देन कम्स अपेंडिक्स थ्री अपेंडिक्स थ्री में उन स्पीशीज को रखा गया है जो किसी भी एटलीस्ट एक कंट्री में जिनको प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया है एटलीस्ट वन कंट्री और उसने साइट्स को कहा है आज दाइट्स पार्टी अपने देश में तो किसी स्पीसीज uh, को लेट्स से प्रोटेक्टेड दे दिया गया है कैटेगरी में डाल दिया गया है लेकिन साइट्स में नहीं है नाउ दैट कंट्री हैज द अदर दाइड पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग द ट्रेड कि भाई इसके ट्रेड को कंट्रोल कीजिए तो दैट इज अपेंडिक्स अप्री ऑफ साइट्स आई होप आपको क्लियर हुआ हो अपेंडिक्स वन थ्रेटेंड टू एक्सटेंशन विलुप्त होने वाली स्पीश, स्पीशीज होंगी ठीक है केवल केवल और कंडीशंस कंडीशंस में में ही में ही ट्रेड अलाउड है सेकंड अपेंडिक्स में वो स्पीशीज आ जाएंगे जो नियर थ्रेटेंड तो नहीं है एक्सटेंशन के लिए लेकिन फिर भी उनके ट्रेड को मॉनिटर करना जरूरी है फॉर देर सर्वाइवल ऐसा ना हो कि वो अनकंट्रोल्ड ट्रेड हो ठीक है तीसरा अपेंडिक्स वो है जिसमें वो स्पीशीज आएंगे लिस्ट में वो स्पीशीज हैं जो किसी एक कंट्री में एटलीस्ट एक कंट्री में प्रोटेक्टेड स्टेटस है उनका और उस कंट्री ने बाकी साइट्स की पार्टीज को कहा है कि असिस्ट कीजिए इन कंट्रोलिंग द ट्रेड ऑलराइट दीज आर थ्री अपेंडिक्स यहां पर अगर टोटल स्पीशीज की बात करूं एट प्रेजेंट 38700 स्पीशीज कम अंडर द

इनके बारे में जानते हैं तो इंडियन टेन टर्टल जो है वो लिस्टेड है शेड्यूल वन में डब्ल्यू पी ए के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू के शेड्यूल वन में नाउ एज प्रोम इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डीलिंग विद फर्स्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट्स शेड्यूल्स एंड देन दी स्पीशीज जैसे मैंने कल भी आपको करा दिया है है ना रेड डेटा बुक बुक आई यू सी एन आज हमने साइट्स के बारे में पढ़ लिया कल तो हम डब्ल्यू पी ए नाइनटीन सेवनटी टू के बारे में पढ़ेंगे शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो घबराइएगा नहीं ये भी हम क्लियर कर लेंगे तो इंडियन टर्टल्स को लिस्ट किया गया है शेड्यूल में 1972 के और इनको of, uh, उनको हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है भारत में ठीक है अगर स्टेटस की बात करूं तो ये लीज कंसर्न है।, है लेकिन इंडिया में शेड्यूल वन में डब्ल्यू पी ए के ऑल राइट right. कहां पर पाए जाते हैं दे आर नेटिव टू टू इंडिया नेपाल एंड बांग्लादेश सिमिलर इंडियन टर्टल्स टर्टल्स जो भारत में रूफ मिलते हैं ना उसका पिक्चर यहां पर नहीं है ये टेन टर्टल्स का पिक्चर है ये काफी कुछ उसके समान देखने को मिलते हैं इंडिया नेपाल और बांग्लादेश इनके हैबिटेट्स नेचुरल हैबिटेट्स में जा कह सकते हैं हम इनके सब स्पीशीज भी हैं जो अलग अलग जगह पर मिलते हैं भारत में जैसे पीटी टेंटोरिया ये पाया जाता है पेनेंसुलर इंडिया में पाया जाता है और जनरली कहाँ देखा जाता है देखिए पेनेसुलर इंडिया की बात हम कर रहे हैं ना तो ये वाला बेल्ट पूरा कह सकते हैं जिसमें ओडिशा महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश है ना थोड़ा असम वाला बेल्ट भी आ गया मध्य प्रदेश इन सारी जगहों पर यह पाया जाता है तीन सब स्पीशीज हैं जो पाए जाते हैं भारत में दूसरा है पीटी टी डेटा ये वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में गंगा की और रिवर्स ऑफ गुजरात में पाया जाता है ऑल राइट इट इज फाउंड इन राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश एंड गुजरात यह मेनली कहाँ पाया जा रहा है राजस्थान एमपी उत्तर प्रदेश गुजरात करेक्ट उसके बाद है तीसरा स्पीशीज पीटी वेंटर ये नदन ट्रिब्यूटरीज में पाया जाता है गंगा की पीटी सर्कम डेटा ये कहा पाया जा रहा है वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज में गंगा की ठीक है रिवर्स ऑफ गुजरात गुजरात मतलब ये वेस्ट साइड में पाया जाएगा मतलब ये इस वाले बेल्ट पे होगा लगभग ये वाला रीजन ठीक है वहीं फ्लेवी वेंटर वीब्यूटीज में ऊपर की तरफ गंगा की वहां पाया जाएगा ठीक है और राइट एंड इज रिकॉर्डेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड असम तो ये वेस्टर्न में आ गया और ये इस तरफ चला गया आपका इन वाले एरियाज में पाए जाते हैं तीन सब स्पीशीज नाउ न्यूज में क्यों है न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इंडियन टेंट टर्टल को खतरा है इलीगल माइनिंग का नर्मदा रिवर में जिसको लेके चर्चा में आया एक रीजन ये है नंबर वन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि टर्टल का एक बहुत ही ज्यादा एज अ पेट इट इज मतलब इट इज केप्ट एज अ पेट जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इसका एक्वेरियम्स में रखने के लिए सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेंजर दैट दिस इंडियन टेन टर्टल्स ठीक है इसलिए चर्चाओं में आ गया है इंपॉर्टेंस क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज स्पीशीज आर जनरली हर्बी मतलब ये हर्बी है तो ग्रीन लीफ ये पत्तियां ये सब खाते हैं नोन एज नैचुरल क्लीनर्स ये नेचुरल क्लीनर्स का काम करते हैं मेजरली ये सर्वाइव करते हैं ईटिंग मॉस एंड एल्गी जो भी पानी है जो भी वाटर बॉडी है उसमें जो भी मॉस और एलगी होगी ना उसको ये दे ईट अप मॉस एंड एलगी ठीक है जिससे क्या करें जब ये मॉस और एलगी को खत्म करेंगे क्या क्या करती है है मॉस करता इट रिड्यूसेस दी ऑक्सीजन लेवल मल्टीप्लाई होगी एल्गी ब्लूम आपने पढ़ा होगा तो ऑक्सीजन रिड्यूस करता है ना वो है ना यहाँ पे ये जब मॉस और एलगी को खा लेगा ठीक है तो क्या होगा ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी वाटर इको सिस्टम ये इनहबिट करते हैं जनरली स्टिल वाटर पूल्स में ऑन द रिवर साइड और स्लो रनिंग वाटर तेज पानी का जो बहाव होगा वहां नहीं होते नियर द रिवर बैंक ये अलग अलग कलर्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब स्पीशीज जैसे हमने बात की अभी तीन सब स्पीशीज पढ़े अलग अलग सब्सपीशीज के अलग अलग कलर हैं जैसे कि टेंटोरिया का ऑलिव होता ऑलिव या ब्राउनिश कलर होगा विद रेड पोस्टोक्यूलर स्पॉट ठीक है तो इनके कलर्स भी अलग अलग पाए जाते हैं दिस इज दी Indian टेन turtle, the second species that we are going to discuss today is Miss Kerala. Very very important. इसके साथ भी यही है कि आ, ये भी न्यूज में इसीलिए आ गया क्योंकि आ, अभी हाल ही में ये हुआ था कि एक अमेंडमेंट किया गया डब्ल्यू पी ए में और इसको प्रोटेक्टेड श्रेणी में डाल दिया गया तो क्वेश्चन उठा कि क्यों डाला गया दिस abundance और ये काफी ज्यादा ट्रेड के लिए या पेट के लिए, के लिए because it is an ornamental fish. You can see the beauty of this fish. इतनी ब्यूटीफुल है कि लोग रखते हैं इसको अपने और ये बाहर ट्रेड किया जाता है इस वजह से चर्चाओं में है सो मिस केरला इसको कहा जाता है डेनिसन बाब ऑल्सो रेड लाइन टॉर्पीडो बाब या रोज लाइन शार्क यू कैन सी दीप ब्लैक एंड रेड स्केल्स लाइन ऑन द फिश साइंटिफिक नेम है इसका सयाद्रिया डेनिसोनी कहा पाई जाती है केरला और कर्नाटका में सबसे ज्यादा पाई जाती है ये फिश आई स्टेटस की बात करूं तो वल्नरेबल है 2010 का स्टेटस है ये Vulnerable है मतलब कोई ज्यादा बहुत ज्यादा खतरा नहीं लेकिन फिर भी नियर फ्यूचर खतरा हो सकता है ठीक है इसके बारे में हमने कल पढ़ा भी है इस स्पीशीज को मेजरली जाना जाता है क्योंकि फास्ट फ्लोइंग हिल में मिलती है जो तेजी से बहने वाली जो नदियों की धाराएं होती है ना वहां मिलती है एंड इज ऑफन फाउंड इन रॉकी पूल्स विथ थिक वेजिटेशन अलॉन्ग रिवर यहां पर भी ये पाई जाती है न्यूज क्या है आई टोल्ड यू ये एक्वेरियम्स uh, में रखने के लिए है ना उसके लिए इसका बहुत ट्रेड होता है एक सेक्शन ऑफ एंड ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडर्स जो इस तरह की फिश ब्रीडिंग करते हैं वो उन्होंने इसको अपोज भी किया सरप्राइज कि भाई डेनिसन कियाला जो कि नेटिव है फिश फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज की कर्नाटका केरला में पाई जाती है इसको शेड्यूल वन में डाल दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के इसको लेके ये देवर सरप्राइज देवक इट ठीक है सो दिस इज द न्यूज अबाउट इट तो इसी को लेकर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वाई दिस रीजन क्या है अब रीजन क्या दिए गए इसको इंक्लूड करने के 1972 सेवन के जो डब्ल्यू पी है हमारा शेड्यूल वन में शेड्यूल आई टोल्ड यू हाईस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज गिवन टू इट ऑल राइट मिस इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल बहुत सुंदर है हमने देख भी लिया उसका पिक्चर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है एन इज द बिगेस्ट थ्रेट विथ सर्वाइवल इसकी ब्यूटी ही इसके सर्वाइवल की सबसे बड़ी थ्रेट हो गई है इंटरनेशनलियम ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में इसको बहुत इसकी डिमांड है जिसमें सेवेंटल फिश एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इसका जो टोटल नंबर है फिश का उसमें साठ से पैंसठ परसेंट फिश एक्सपोर्ट की जाती है इंटरनेशनल एक्वेरियम ट्रेड में दूसरा रीजन क्या है इसके डिक्लाइन का इसका हैबिटेट डिग्रेडेशन जो इसका जो हैबिटेट है वो डिग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन माइनिंग डिफॉरेस्टेशन हो रहा है माइनिंग हो रही है एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द रीजन अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है साथ ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसकी वजह से वो पानी रुकता है फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स का ऑल दीज रीजन आर दी अदर रीजन हैबिटेट डिग्रेड हो रहा है तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन इसका डिक्रीज हो रहा है इन दो रीजंस को ध्यान में रखते हुए इसको इंक्लूड किया गया इन शेड्यूल शेड्यूलूपीन सेवेंटी टू तीसरा स्पीशीज जो हम डिस्कस करेंगे आज दोस्तों वो है एक्सक्यूज <laughs> मी इंडियन पैंगोलिन इंडियन पैंगोलिन इसके बारे में तो यूपीएससी ने एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है लेकिन ये फिर अभी भी चर्चाओं में है ये नॉर्मली कॉमनली इसको कहा जाता है स्केली एंटीटर एंट खाता है ये कहा जाता है टूथलेस एनिमल है जो कि अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और ये ऐसा हुआ है ओवर मिलियन ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन मिलियन ऑफ इयर्स लगे हैं इसको ऐसे इवॉल्व होने में जैसे ये बना है फिलहाल नॉकटर्नल एनिमल है नॉकटर्नल मतलब रात में जगता है ये बरोज में रहता है फीड करता है और और कीड़े मकौड़े एंड टर्माइट्स पर फीड करता है दो स्पीशीज हैं पैंगोलिन के जो भारत में पाए जाते हैं एक है चाइनीज पैंगोलिन दूसरा है भारतीय इंडियन पैंगोलिन चाइनीज पैंगोलिन मेजरली पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वही इंडियन पैंगोलिन कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज श्रीलंका बांग्लादेश एंड पाकिस्तान जो चाइनीज पैंगोलिन है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादातर पाया जाता है और इंडियन पैंगलिन दो, दोनों सब स्पीशीज दोनों प्रजातियां पाई जाती हैं पैंगोलिन की ये वो बाकी सारे देश में और श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान में भी पाया जाता है स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन के स्टेटस में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है दोनों ही स्पीशीज चाइनीज एंड इंडियन पैंगूल के अगर साइड की बात करूं तो अपेंडिक्स वन में आते हैं अपेंडिक्स वन जिसमें बहुत ही रेयर कंडीशंस में रेयर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में ट्रेड अलाउड है अभी हम पढ़कर आए करेक्ट तो ये हाईली प्रोटेक्टेड स्पीशीज है न्यूज में क्यों है देखिए न्यूज की अगर मैं बात करूं तो पेंगुलंस को लेकर इंडियन पेंगुलंस को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज समय समय पर आती रहती है uh, पिछले साल दिसंबर में रेडियो टैग्स को लेकर ये चर्चाओं में थे ओडिशा में रेडियो टैग्स लगाए गए थे उसके बारे में चर्चा में थे उसके अलावा अगर मैं पैंगोलिन अभी रिसेंटली फिर इलीगल ट्रेड में पकड़े जाते हैं बचाए जाते हैं उसको लेके भी चर्चाओं में रहते हैं चर्चाओं में बने रहते हैं न्यूज में बने रहते हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इनको बचाने के प्रयास करता है न्यूज में आ जाता है इंडियन पैंगार्जेस्ट अमंग एट पैंगीज और जो भारतीय पेंगुलन है वो पेंगुल की जो भी आठ स्पीशीज है उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट है दिस इज अबाउट दी पैंगस गाइज आई होप आपको ये सेशन पसंद आए

जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे दोस्तों. Option भी है. इस नंबर पर आप कर सकते हैं पाथ फाइंडर की करंट अफेयर्स टेस्ट हर सैटरडे को होता है पच्चीस एमसीक्यूज होते हैं तीस मिनट में हर सैटरडे पांच बजे होता है जिसमें काफी सारे प्राइजेस आपको मिल जाते हैं डाउन

और कोई भी प्लीज़ गिव दी फीडबैक ऑल्सो एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी दी टॉपिक्स फॉर द नेक्स्ट क्लासेज सो दैट आई कैन टेक अप दो सेशंस ऑल्सो विद यू थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू